हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप ये जानेंगे कि गाड़ी को कैसे चलाया जाए। जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग गाड़ी चलाना भी सीख रहे हैं, जिन्होंने अभी नई नई सीखी है या जो लोग सीखना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जान पाएंगे। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि जितने कम से कम समय में हो सके मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकूँ। देखिए, इस वीडियो का मेन पर्पज़ बनाने का यही है कि जो लोग गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं उनको ऑनलाइन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा गाड़ी को कैसे चलाया जाए। कुछ ही समय में आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके घर में कोई गाड़ी आपके पास पड़ी है या आपके किसी फ्रेंड की है या किसी ऐसे व्यक्ति गाड़ी जो यूज़ नहीं करता है या गाड़ी फ्री है, कभी भी आपको मौका मिले तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो हौसला है वो बढ़ जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका जो मन के अंदर का जो डर है कि मैं गाड़ी कैसे चला पाऊंगा वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त देखिए मेरे पास जो गाड़ी पड़ी है ये है मारुति की ओमनी कार। और ओमनी में आप ये देख सकते हैं कि मैं पहले देखिए गाड़ी सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि गाड़ी चलाने से पहले आपको सबसे पहले तो ये चेक करनी है कि गाड़ी के अंदर जो टायर्स हैं उसके अंदर जो हवा है वो प्रॉपर भरी है हुई है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि टायर्स की हवा चेक करनी है, टायर्स में हवा पूरी भरी होनी चाहिए। देखिए इस वक्त तो इसमें क्योंकि इसका जो इंजन रूम है वो सीट के नीचे होता है, बाकी नॉर्मल गाड़ियों में आप देखेंगे तो उसका बोनेट आगे की तरफ होता है, तो आप उसको खोल के उसके अंदर का जो इंजन ऑयल लेवल है वो जरूर चेक करें कि उसमें कम है या ज़्यादा, उसके अंदर कूलेंट कितना भरा हुआ है जिससे गाड़ी गर्म ना हो। तीसरी बात यह है कि गाड़ी के सारे टूल्स चेक कर लीजिए कि गाड़ी के अंदर सारे टूल्स भरे प्रॉपर तरीके से उसमें है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी को शुरू करते हैं। देखिए सामने आप मेरे गाड़ी के सामने पैडल्स देख रहे हैं, ये तीन तरह के पैडल्स हैं। सबसे पहला जो पैडल देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। इसको दबाने के बाद इसको जैसे आप ये हल्का प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी की एक्सेलेटर इस गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। दूसरा है, ये है गाड़ी का ब्रेक पैड, ये है गाड़ी का क्लच। क्लच दबाने के बाद ही ये जो आप गियर लीवर देख रहे हैं इसको आगे मूवमेंट किया जाता है। इस क्लच को छोड़ने के बाद फिर एक्सेलेटर किया जाता है, तब गाड़ी आगे मूवमेंट करती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी को कैसे चलाया जाता है, क्या क्या किन किन सावधानियाँ किन किन बातों का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, गाड़ी चलाने से पहले आप अपनी सीट बेल्ट जरूर पहन के रखें। सीट बेल्ट पहने बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक्सीडेंट के चांसेस, अगर एक्सीडेंट होता भी है तो चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, जब भी आप गाड़ी चलाएँ तो प्लीज़ आप सीट बेल्ट ज़रूर पहने। बिना सीट बेल्ट पहने भी ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं और लोगों की जानें भी चली गई है, तो कृपया ऐसे ना करें, सीट बेल्ट ज़रूर पहने, उसके बाद ही आप गाड़ी ड्राइव करें। तो दोस्तों चलिए, देखिए ये चाबी लगी हुई है, चाबी का इग्निशन ऑन करने से पहले आपको ये ध्यान दे रहे हैं कि गाड़ी का जो गियर है वो लगा हुआ है तो नहीं है, क्योंकि एक बार गाड़ी का गियर लगा होता है गाड़ी स्टार्ट करें तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है और एक्सीडेंट या चोट लगने के चांसेस रहते हैं। आपको भी, गाड़ी को तो नुकसान होता है वो अलग, जो अगर सामने कोई बच्चा या कोई बड़ा बुजुर्ग कोई भी अगर सामने खड़ा हुआ तो उसको भी चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाड़ी चलाने से पहले आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि देखिए ये हल्का प्लस दबाया और गाड़ी को ऐसे गियर हिला के देखा कि गाड़ी न्यूट्रल में है। इसमें आप ये देखेंगे ये जो गियर है ये फोर गियर वाली गाड़ी है, इसमें ये बीच में जो निशान देख रहे हैं ये न्यूट्रल है, गाड़ी इसमें न्यूट्रल में है। गाड़ी का जब भी पहला गियर लगाते तो हल्का सा ये क्लच दबाया, फिर गाड़ी को अगर ऐसे हल्का सा आगे लेफ्ट साइड की प्रेस करके आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये फर्स्ट गियर लग गया, फिर हल्का सा क्लच छोड़ेंगे, फिर एक्सीलेट करेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, फिर आप इस गाड़ी को देखेंगे गियर को आप सेकंड ऐसे लेके आ जाएंगे। ऐसे ही आप थर्ड गियर का हल्के से मूव करेंगे तो अपना आप ये थर्ड में चला जाएगा, फिर थोड़ी सी स्पीड आएंगे तो हल्का सा मूव करेंगे क्लच दबा के तो ये अपना आप देखिए ये अपना फोर में आ गया। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, फिर गाड़ी को उसी स्पीड में चलने दें। फिर गाड़ी अगर कभी भी सामने कोई स्पीड ब्रेकर आता है या कोई सामने आ जाता है तो हल्का सा आप ऐसे ब्रेक पैडल दबाएँ, क्लच को दबाएँ और गाड़ी को दूसरे या तीसरे गियर पर स्पीड के अनुसार वहाँ पर वापस मूव कर लीजिए। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिए। उसके बाद गाड़ी अगर आपने देख लिया गाड़ी न्यूट्रल में है, उसके बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखिए गाड़ी को, फिर आप ये देखिए ये गाड़ी का लॉक हैंडल लॉक खुल चुका है। इसके बाद आप हल्के चाबी को एक बार वापस आगे से ऐसे घुमाएंगे तो ये गाड़ी देखिए गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया। अब गाड़ी का इग्निशन ऑन चुका है, अब आप हल्का सा गाड़ी को क्लच दबा के भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिना क्लच दबाए भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर गाड़ी गियर में है तब तो आप क्लच दबाएँ, गाड़ी अगर गियर में नहीं है तब आप बिना क्लच को छुए आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते थे। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम गाड़ी को हल्के से चला के अब आपको मैं दिखाऊंगा कि गाड़ी को कैसे चलाया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में आप गाड़ी इसको बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गाड़ी चलाने से पहले आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए ये रियर व्यू मिरर है, ये साइड मिरर है, ये दोनों तरफ के, इनको आप एडजस्ट कर लीजिए, इसको भी आप देख लीजिए, पीछे की तरफ आपको सब देखना चाहिए, आपने ऐसे एडजस्ट कर लिया। अब देखिए हम चलो गाड़ी चलाना शुरू कर, देख लेते पीछे कोई आ तो नहीं रहा, चलिए अभी फ़िलहाल गाड़ी दूर है। चलिए देखिए आप हल्के से गाड़ी चलाने से पहले इस क्लच को, ये जो क्लच देख रहे हैं आप, इसको हल्का सा दबा ऐसे दबा के फिर इस गियर को आगे, ये देखिए अब गाड़ी के इसको फर्स्ट गियर लगाएंगे। अब आप गाड़ी को देख लें कोई आ तो नहीं, फिर आप धीरे धीरे गाड़ी को मूव करेंगे, हल्का हल्का देखिए आप एक्सेलेटर छोड़ेंगे, ये देखिए गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी का हल्की सी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर आप हल्का सा क्लच दबाएंगे, फिर सेकंड गियर लगाएंगे, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही गाड़ी को आपको चलाना है, ये देखिए गाड़ी चल रही है, फिर आपको वापस क्लच दबाना है और तीसरा गियर लगा देना है, ये तीसरा गियर लग गया है। अब ये देखिए आराम से चलाइए, ज़्यादा जल्दीबाजी हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चलाते रहिए, देखिए गाड़ी अपना आराम से बड़े प्यार से मूव हो रही है, आप गाड़ी ऐसे चलाते रहिए, कुछ नहीं करना है आपको, बड़े आराम से गाड़ी चलती जा रही है। फिर आपको हल्का सा क्लच दबाना है और ये गाड़ी ये फोर्थ गियर पर गाड़ी आ गई, ये देखिए आप देख रहे हैं। फिर अगर गाड़ी आपको रोकनी है उसको आपको ब्रेक दबाएगा, फिर आपने क्लच दबाया, फिर गाड़ी को आप न्यूट्रल में लेके आ गए। दोस्तों बिल्कुल आसान है गाड़ी चलाना, आप आराम से ऐसे गाड़ी चला सकते हैं, ऐसे ही आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है और फिर आपको ब्रेक लगा के क्लच दबा के फिर गियर को कम करना है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, इस छोटी सी वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको गाड़ी चलाते टाइम इसी चीज़ का ध्यान रखना है, आराम से आप गाड़ी चलाइए, जल्दी से जल्दी आप गाड़ी सीख जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आने वाली वीडियो में हम बहुत कुछ नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।